हिमाचल चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत, 40 सीट। नमस्कार मित्रों, नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडियन न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के MCD इलेक्शन चल रहे थे। आज हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो लोकतंत्र है उसकी विजय हुई है, उसकी विन हुई है, जीत हुई है। ठीक है, क्यों हुई है इसका मतलब साहब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले तो हम बताएंगे, गुजरात में मोदी जी ने कर दिया है कमाल, मतलब मोदी जी का ही कमाल है, जिसके वजह से आज गुजरात के अंदर 156 सीटें आएंगी 182 में से, मतलब पूरी तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री है, बहुत ही शानदार विक्ट्री है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मोदी जी हैं और यहाँ पर पूरी तरह से जो रिजल्ट है उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि मतलब एक तरफा जीत है BJP की, जिसमें आम आदमी पार्टी भी कोशिश करी लेकिन उसको सिर्फ 5 ही सीटें मिली, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है उसको 156 सीटों से नवाजा गया है। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी 3 जीते हैं और कांग्रेस को कह सकते हैं हम पूरी तरह से हार मिली है, सिर्फ 17 सीटें। पिछली बार लगभग 100 सीटों के करीब पहुँचे थे, आज वो सिर्फ नहीं 100 सीटें नहीं मिली थी, थोड़ी सी मतलब कितनी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन मतलब काफ़ी अच्छी सीटें मिली थी, आज 17 हैं। तो बहुत ही बुरी स्थिति है कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट मिली है, ये बहुत ही अजीब सी बात है। गुजरात में अजीब सी बात नहीं है, मतलब गुजरात में मेरे को पता नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार है। ठीक है, चलिए। तो दूसरा, मैंने पहले ही कहा कि आज जो जीत हुई है वो लोकतंत्र की हुई है, क्योंकि जितनी पार्टियां हैं सब ने जीत दर्ज कर ये कहीं ना कहीं। जैसा कि हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन रिजल्ट 2022, कांग्रेस विन हिल स्टेट। ये हिल स्टेट है, हिल स्टेशन है बहुत सारे, जैसा कि आप सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ही शानदार जीत हासिल की है कांग्रेस ने भी। कांग्रेस ने यहाँ पर कितनी सीटें जीती हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। आपको 39 सीटें विन दिखा रहा है, 1 लीडिंग दिखा रहा है। मैं आपको रिजल्ट और भी दिखा दूंगा जो अपडेटेड हो चुका है। 40 सीटें ही जीत गए हैं कांग्रेस। कांग्रेस का जीतने का रीज़न क्या रहा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, जो भारत जोड़ो यात्रा हमारे राहुल गांधी जी कर रहे थे उसका थोड़ा सा असर होगा, शायद हो सकता है, मुझे लगता है कि हाँ उसके असर की वजह से। और थोड़ा ये भी सोचा होगा लोगों ने कि कांग्रेस को फिर से देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा जो इलेक्शन हुआ है वो MCD का है, हालांकि ये छोटा इलेक्शन है, राज्यों के इलेक्शन है और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि MCD, लेकिन MCD का जो इलेक्शन है ना वो भी एक बहुत बड़ा इलेक्शन कहा जाता है, क्योंकि MCD जो है वो 2 करोड़ लोगों को सर्व करती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है, तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ना वो भी बहुत बड़ी है, कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। इसको भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी जीत हासिल की है दिल्ली में केजरीवाल जी ने। तो यहाँ पर हम फिर से वही कहना चाहते हैं, तीनों पार्टियों की जीत हुई है, कांग्रेस के राहुल गांधी, BJP के नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तीनों लोगों ने बहुत ही शानदार जीत हासिल की है और इस जीत को हम सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और इसको सभी को प्रॉपरली ऐसे ही वोट करके एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर मैं आपको अभी जो अपडेटेड आंकड़े हैं वो दिखाना चाह रहा था। तो हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 40 सीटें जीत चुकी है कांग्रेस और वहीं पर BJP भी 25 सीटें जीती है। हालांकि BJP की हालत उतनी ख़राब नहीं है जितनी कि गुजरात में कांग्रेस की हालत ख़राब थी। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ठीक ठाक प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन किया है BJP ने, लेकिन कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 40 सीटों के साथ। और फिर यहाँ पर आप वोट अगर शेयर देखेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी थी 1% वोट के साथ, BJP 43% वोट मिले हैं, सोचिए कोई कम वोट नहीं मिले हैं बीजेपी को, 43% सेम 43.9, लगभग 1% का अंतर बोल सकते हैं या 0.9% का अंतर ही है, ठीक है, कांग्रेस का। तो ये दोनों पार्टियों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं था, लेकिन सीटों का गैप सोचिए कितना हो गया, 15 सीटें ज़्यादा हैं,
कांग्रेस की, ठीक है, 1% से क्या हिसाब किताब हो सकता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी जगह आती है गुजरात। गुजरात में थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह के हालात बने यहाँ पर। गुजरात में जो एक साइडेड, वन साइडेड विक्ट्री हासिल करी है बीजेपी ने, ये कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी 156, इंडिपेंडेंट 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस 17, और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताई दिया, तो ये तो पहले से ही डिक्लेयर था। और यहाँ पर आप पार्टी शेयर का जो वोट है वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 12% वोट मिला है, 12, लगभग 13, 12.9, बहुत ही ज्यादा है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब उनकी एक तरीके से पहली बार एंट्री हुई है गुजरात में इलेक्शन में प्रॉपरली, और उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, मतलब बुरा नहीं है, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है एक तरीके से शुरुआती। AIMIM, ये ओवैसी, ओवैसी जी की पार्टी है, ठीक है, 0.29% वोट कटे या जो भी हुए, तो वो अल्टीमेटली यहाँ पर कह सकते हैं कि कांग्रेस को ही नुकसान करवाया उन्होंने वोट काट कर, सिंपल सी। और ये वोट काट के ही नहीं, वहां पर उन्होंने इस तरह के भाषण वासन दिए कि पूरा पोलराइज करने का एक माहौल क्रिएट किया, सिंपल सी बात है। अब कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं है, ये बात अलग होती है, वो तो हर पार्टी का यही होता है, किसी को बीजेपी पसंद नहीं है, किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को कांग्रेस पसंद नहीं है, किसी को कांग्रेस पसंद है, आम आदमी का भी ऐसे हिसाब किताब है, तो सबका अपना अपना होता है। लेकिन बीजेपी 52%, मतलब आधा परसेंट, मतलब आधी जनता तो, आधी से ज्यादा जनता तो बीजेपी के सपोर्ट में ही थी, ठीक है। यहाँ पर बीएसपी देखिए, बीएसपी ने भी काफी 0.50% ओनली वोट हासिल करे हैं, कम ही करे हैं, बहुत कम। सीपीआई, सीपीआई क्या कर रही है वहां पर, 0.01% का वोट हासिल किया है। और सीपीआईएम 0.03%, ठीक है, सीपीआईएमएल, यार कितने सीपीआई बना दिए, एक ही बना देते 1% वोट मिल जाता, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन जो भी बनाया है, ये आई थिंक लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं ये सारी, ये डिफरेंट डिफरेंट, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों इतना इन्होंने डिफरेंस कर रखा है, जो भी है ठीक है, जैसा भी है, ओके। तो चलिए फिर बात करते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इन्होंने ठीक ठाक कह सकते हैं 27% से पाए हैं, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो तो सिंपल सा दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार जो सीट्स आई थी कांग्रेस की वो बिल्कुल नहीं आई है, और इसका रीजन साफ साफ है, आम आदमी पार्टी 12% वोट, 13% वोट लेके चले गए। मान लीजिए ये 13% इधर होते, वोट इधर होते, सोच लीजिए आप 13 और 27 कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% हो रहा है, तो 40% से बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ जाती, ठीक है, चलिए कोई नहीं। बाकी ये पार्टियां हैं JDS, JDU, ठीक है, जो भी है, और इससे आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि जो आज पूरी तरह से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, कांग्रेस भी जीती है, बीजेपी भी जीती है, और आम आदमी पार्टी भी जीती है, तीनों पार्टियों ने अपने अपने कह सकते हैं एक एक स्टेट में जीत हासिल की है, तो काफ़ी अच्छा है। मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, और राहुल गांधी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, और केजरीवाल जी ने भी बहुत ही अच्छा काम किया। तीनों पार्टियों, देखिए हमें किसी पार्टी का समर्थक या उनसे खिलाफ होने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर जो उनसी पार्टी जीते उनसे अपना काम करवाइए भैया। मतलब देखिए, देखिए सीधी सी बात है, जो नेता होता है वो आपको बुलाता है, ठीक है, लेकिन जाने का नहीं, सीधी सी बात है, वोट देने का जिसको आप पसंद करते हैं, और जो जीत जाए फिर उसके भी, मतलब उससे अपना काम करवाते रहो, सीधी सी बात है। लेकिन जो भी है, अच्छा काम हुआ है, और इलेक्शंस बहुत अच्छे से हुए, और इसको कह सकते हैं कि मतलब एक बैलेंस, बैलेंस इस बार जो हुआ इलेक्शन उसको मैं कह सकता हूँ बैलेंस्ड इलेक्शन हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसी निगेटिविटी ज़्यादा नहीं फैली उतनी ज़्यादा, ठीक है ना। तो हालांकि हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन, तो मैं सही बता रहा हूँ, अगर हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन देखें अपन, तो वहाँ पर तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पर तो उसका पता ही नहीं चला, हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन था, गुजरात का थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था, तो ललन टॉप वगैरह न्यूज़ पे भी आ रहा था, ललन टॉप ने आई थिंक वहाँ पर भी करा था,
हिमाचल प्रदेश में भी न्यूज़ वगैरह कवरेज, लेकिन ज़्यादा कवरेज मुझे लगता है कि यहाँ पर हुआ था गुजरात में, जिसके वजह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। तो धन्यवाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।